मैं तेरे पास ही हूँ, चिंता ना कर। रूम में वहाँ हो जाओगे, लॉक हो जाऊंगी। हाँ। तो फिर मैं वहाँ खिड़की से बोलती रहूंगी आपको, आपके पास डैडी रहेंगे सारा दिन। लेकिन तो फिर डैडी को फोन नहीं देते, फोन दे देंगे, मैं बोलती। कल मैं जा रही हूँ दवाई लेने, मुझे आयोडीन की कोई दवाई पिलाई जाएगी कल, और कुशल उसके लिए है बहुत सैड, क्योंकि वो दवाई पीने के बाद मुझे रहना पड़ेगा 1 हफ्ते के लिए, 8 दिन के लिए मुझे क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, बच्चों से दूर रहना पड़ेगा। तो इसलिए मैं उसको मना रही हूँ, और वो बेचारा सैड हो रहा है कि मैं आपके बिना कैसे रह पाऊँगा। उधर मेरे हस्बैंड कर रहे हैं रूम को खाली, ताकि मैं बच्चों के पास ही रह सकूं। इस रूम में ना तो पंखा है ना कूलर है, कुछ नहीं है, तो हम कूलर और पंखे की व्यवस्था कर रहे हैं, जगह बना रहे हैं, सामान निकाल रहे हैं, तो ये रूम मेरे लिए रेडी हो रहा है। इसको भी रखना है? हाँ रख लो। हाँ भाई तेरे को क्या पसंद आ रहा है कुशल? ऊपर नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना बेटा, क्या कर रहे हो आप? इतना एक्साइटमेंट अच्छा नहीं लगता, आराम से रख दे, अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है, रख दे रख दे, अभी बच्चा है। क्या बड़े होने के बाद दिला देना। यहाँ बच्चों का मन बहलाने के लिए ले आई हूँ मैं शॉपिंग सेंटर, और एक मारुती को डांट और भी लग रही है। यहाँ पर हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, मुझे दवाई पिलाई जाएगी आज, और बहुत डर भी लग रहा है, पता नहीं, और घबराहट भी हो रही है क्या कुछ होगा, क्योंकि लाइफ में पहली बार ये ऐसा कुछ होने जा रहा है। घर वापस आ गए हैं दवाई पीकर, और कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं, अब मैं खाना खाऊंगी। तकरीबन 2 बजे सुबह खाली पेट हम गए थे, और अब मेरा खाना थोड़ा बहुत होगा, मन भी नहीं कर रहा है, चाय पी मिली है मुझे, चाय पीऊंगी अब। और बच्चे स्कूल से आने वाले हैं। बताओ हिंदी भाषा का क्या महत्व है? हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। ठीक है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा मेरे को रफ कॉपी पर लिख के दिखाना अभी, अच्छा, जब सारे क्वेश्चन बोल दूं मैं, मतलब आंसर दे दोगे जब। और भाषा है ना, इसको ठीक करना, ये गलत तरीके से भाषा लिख रखा है। सबसे फर्स्ट वाला जो आंसर है उसमें देखना। यहाँ पे जो बीच में खिड़की है उसी में मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, बीच में शीशा है, ताकि जो है क्वारंटाइन भी मेरा पूरा हो जाए, और रेंज जो बुरी रेंज निकल रही है शरीर से वो बच्चों तक ना जाए। ये मेरा रूम है, और यहाँ मुझे रहना है 1 हफ्ता, आज मेरा पहला दिन है, वो ख़त्म ही हो चुका है लगभग। बच्चों के टेस्ट की मैंने तैयारी करवा दी है, और बस अब आज का दिन तो जैसे तैसे कर गया, कल का देखते हैं क्या होगा।